Example number 30. Rahul bought a sweater and saved 200 rupees when a discount of 25% was given. What was the price of the sweater before the discount? Okay, Rahul है, वो क्या कर रहा है, एक sweater खरीद रहा है and उसको वो sweater पर 200 रुपये का सेव हो रहा है. ओके, वो बचा रहा है 200 रुपये बचा रहा है. एंड हमको क्या गिवन है कि उस स्वेटर पर उसको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 25%. तो हमें क्या फाइंड करना है कि अगर जो स्वेटर है उसकी प्राइस डिस्काउंट के बाद कितने रुपए की होगी, वो हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पर भी क्या है, दो मेथड है आपको, दोनों की मेथड यहाँ पर गिवन है, मोहन सॉल्यूशन एंड अब्दुल सॉल्यूशन. ओके, मैथ्स में कई सारे मेथड होगी पर आपको जो भी इजी मेथड लग रही है उस मेथड से आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो. अब 25% उसको डिस्काउंट मिल रहा है एंड वो सेव कितना कर रहा है, 200%, यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस है उसका 25% हम करेंगे. ओके, तो फर्स्ट में अगर आप देखोगे तो ऐसा ही गिवन है कि ओरिजिनल प्राइस है उसका 25% उसने किया तो वो कितना हो रहा है, 200 रुपीस. ओके, 200 रुपीस हो रहा है ओरिजिनल प्राइस का. तो उसने क्या, लेट द प्राइस बी एक्स. तो उसको उसने क्या किया कि प्राइस है वो लेट कर लिया कि लेट द प्राइस बी, यहाँ पर उसने पी लिया है, कोई भी एबीसीडी का लेटर आप ले सकते हो, एबीसीडी एक्स वाई जेड, इन जनरल सब क्या लेते हैं, एक्स ज़्यादा लेते हैं. अब ओरिजिनल प्राइस है वो उसने क्या ले ली, पी. अब ओरिजिनल प्राइस का 25% इज इक्वल टू कितने होंगे, 200 रुपीस. डिस्काउंट कितने रुपए का था, 25% का, एंड वो सेव कितना कर रहा है, 200 रुपीस. यानी कि ओरिजिनल प्राइस का 25% करोगे तो 200 रुपीस बच रहे हैं. तो उसके हिसाब से हम फाइंड कर सकते हैं. तो 25% ऑफ 25% ओरिजिनल प्राइस यानी कि P इज इक्वल टू कितना होगा, 200. 25% ऑफ ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू 200. ओरिजिनल प्राइस के हमने 25% निकाले तो 200 मिल रहे, पर हमें ओरिजिनल प्राइस नहीं पता, तो हम फर्स्ट ओरिजिनल प्राइस निकाल लेंगे. ओके, 25% मैंने आपको बताया कि परसेंटेज के साइन हम हटा देंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100 इंटू पी इज इक्वल टू 200. अब यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है, 25 फोर जा कितने होते, 100, एंड पी इज इक्वल टू यहाँ पर 1/4 हो गया ये, तो 4 डिनोमिनेटर में इक्वल टू के उस साइड पर जाएगा तो वो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो इंटू 4, तो P इज इक्वल टू कितने मिला गया, 800. ओके, तो जो प्राइस है वो कितने होगी, 800. यहाँ पर आपको डायरेक्टली प्राइस उसकी मिल जाएगी, ओरिजिनल प्राइस है उसकी. एंड अब्दुल है वो किस तरह से कर रहा है, उसने 25% 25 रुपीज इज सेव्ड फॉर एवरी 100. ओके, परसेंटेज आपको पता है वो किससे होते हैं, ऑलवेज 100 से निकलते हैं. तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं शॉर्ट में. एंड यहाँ पर सिर्फ मनी रखते हैं, तो 25 रुपीज सेव होते हैं 100 रुपीज. अगर 100 रुपीज प्राइस है किसी भी, यहाँ पर स्वेटर की प्राइस अगर 100 रुपीज होते तो कितने रुपये सेव होते हैं, 25.
पर उसने सेव कितने किए हैं 200, तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। तो अब जो हम कर देते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 200 इंटू 100 बाय 25, ओके। उसी भी तरह आप लिख सकते हो, मैंने इस तरह से लिखा है, इन दोनों का होगा मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर में चला जाएगा 25, एंड 25 फोर जा कितने होते हैं 100, तो 200 इंटू 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 800। तो इस तरह से भी आप उसका आंसर फाइंड कर सकते हो, अगर ये वाली मेथड इजी लग रही है तो उससे, एंड ये वाली। एंड आपको ध्यान क्या रखना है कि परसेंटेज है वो ऑलवेज 100 से होते हैं, तो इस मेथड से भी आप कर सकते हो कि 100 रुपये में से 25 रुपीज़ सेव हो रहे हैं, पर यहाँ पर रिवर्स है कि 25 रुपीज़ 100 रुपये से सेव हो रहे हैं। अगर 100 रुपीज़ ओरिजिनल प्राइस होती तो 25 रुपीज़ सेव हो रहे हैं, पर यहाँ तो 200 रुपीज़ सेव हो रहे हैं, तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगी। उस तरह से यहाँ उसने प्रॉपर लिखा है कि 25 रुपीज़ इज सेव्ड फॉर एवरी 100 अमाउंट ऑफ विच 200 रुपीज़ इज सेव, तो वो वाली मेथड से भी आप उसको सोल्व कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल से भी सोल्व हो गए। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सब एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में सभी सम जो भी है वो काफ़ी इजी है, इतने हार्ड नहीं है। फर्स्ट है उसका ए पार्ट 1/8, क्या करना है, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन नंबर टू परसेंटेज। ओके, परसेंटेज में हमें उसको कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी फ्रैक्शन नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनटू क्या कर देना है 100, 1/8 उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, उसके परसेंटेज कितने हैं वो। अब 100/8 भी इसको लिख सकते हैं, एंड इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 2 8 एंड 25 4 कितने होते हैं 100, तो 4 विल बी कैंसल, तो 25/2 ये उसका फ्रैक्शन परसेंटेज मिल गया। अगर इसको आपको करना है कन्वर्ट इनटू डेसिमल तो डिवाइड करोगे तो 12.5% आएगा। ओके, इस मेथड से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इसको डिवाइड भी कर सकते हो कि 100/8 तो 8 1 8 माइनस करोगे तो 2 8 8 2 16 यहाँ पर आएगा 4 पॉइंट लगाएगी एंड 0% नीचे आएगा तो 8 5 40, तो 12.5 आप डायरेक्टली भी यहाँ से कर सकते हो। अगर फैक्टर उसके निकाल के कैंसिल आउट नहीं करना है तो इस मेथड से भी आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो, किस तरह से, डायरेक्ट डिवीजन करके, तो आपको पॉइंट में आंसर मिल जाएगा उसका। बी पार्ट है 5/4, अब इसको करना है कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। आई थिंक ऑलरेडी हमने ये कर चुका है, कर लिया है एग्जाम्पल में। ओके, 5/4 है, कोई भी फ्रैक्शन नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनटू वो क्या होगा, वो 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 25 4 जा कितने होंगे 100, एंड 5 × 25 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 125%। ओके, आई थिंक ये वाला एक एग्जांपल में भी आ चुका है। अब सी में 3/40 ये है, इसको करना है परसेंटेज में कन्वर्ट। ओके, तो 3/14 इंटू 100 तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब दूसरा क्या कैंसिल होगा, तो 2 2 4 होगा एंड 5 2 10। ओके, तो 2 2 विल बी कैंसल,
तो 3 इंटू 5 डिवाइड बाय 2, 3 फाइव जा 15, 15 बाय 2, एंड उसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 7.5%। ओके, आधा करना है तो सिंपली क्या हो जाएगा वो 7.5। एंड लास्ट पार्ट इसका डी पार्ट 2/7। अब 2/7 है तो इसको भी हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 2/7 × 100। अब यहाँ पर कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा था, 2 × 100 यानी 200/7। ओके, अब क्या करेंगे उसको सिंपली इस तरह से डिवाइड कर दो, 200/7, तो 2/7 = 40, 6/0 = 56, 4.0 = 7, 6 = बढ़ जाएंगे, 7/5 = 35, एंड 5 रिमेन। ओके, ये चलता रहेगा तो हम यहाँ तक ही रखेंगे 28.5%। ओके, तो इस तरह से आप सभी के आंसर फाइंड कर सकते हो। अगर कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो सिंपली उसको क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है उसके बाद डेसिमल टू परसेंटेज, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ओके, डेसिमल में गिवन है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है फिर परसेंटेज में। ओके, ये निकाल देता हूँ, डिवीजन तो आई थिंक सबको आता ही होगा। सेकेंड सम है उसका ए पार्ट 0.65। तो फर्स्ट हमें क्या करना है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है एंड उसके बाद उसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो 6 में आपने चैप्टर पढ़ा होगा कि डेसिमल वाला, वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि किस तरह से हम करते थे। तो 65 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो। ओके, तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है 65/100। अब सिंपली इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे हम परसेंटेज में, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 65/100 × 100, 100 विल बी कैंसिल यानी कि 65%। बी पार्ट है उसमें 2.1 है तो फर्स्ट हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे 2.1, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 आएगा इनटू क्या हो जाएगा 100, तो 10 कैंसिल हो जाएगा एंड 21 × 10 = 210। ओके, तो इतने परसेंटेज आंसर मिलेगा। फिर से 0.02 द सेम 2/100, ये फ्रैक्शन में हो गया इनटू क्या करेंगे 100, 100 100 विल बी कैंसल यानी कि 2% इसका आंसर होगा। ओके, एंड लास्ट पार्ट डी 12.35, तो 12.35 पॉइंट निकाल देंगे 1235/100, 2 डिजिट है यानी कि 20 आएंगे इनटू भी क्या होगा 100 क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 कैंसिल हो जाएंगे तो 1.1235%।
ओके इतने परसेंटेज हो गए, पर इन जनरल कभी भी 100 से ज़्यादा परसेंटेज नहीं मिलते, पर ये कुछ ऐसा सम गिव आने के जिसमें 100 से ज़्यादा परसेंटेज आपको मिल रहे। थर्ड सम है इसी का, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंटेज विच इज कलर। ओके यहाँ पर कुछ फिगर हमें गिवन है एंड कितने पार्ट में कलर की है उसके परसेंटेज फाइंड करना है। फर्स्ट फिगर इस तरह से है, पूरा सर्कल है एंड उसमें आई थिंक 1/4 पार्ट, आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो आप इजीली लिख सकते हो क्या है वो 1/4। अगर टोटल पार्ट करोगे ये इसको इस तरह से और इस तरह से, तो टोटल 4 पार्ट होंगे एंड उसमें से 1 पार्ट शेड किया हुआ है तो 1/4 हो गया। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इनटू कर देंगे 100 एंड 25 फोर जा 100, यानी कि 25% कलर किया हुआ है। ओके इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। सेकेंड ओके उसमें 5 पार्ट है, उसमें से 3 पार्ट में क्या किया हुआ है शेड कलर किया हुआ है ग्रीन कलर। ओके टोटल पार्ट कितने हैं 5, तो उसको रखेंगे हम डिनोमिनेटर में एंड 3 पार्ट में क्या किया हुआ है कलर किया हुआ है तो उसको रखेंगे हम ऊपर। तो ये फर्स्ट हमने उसको फ्रैक्शन में लिख लिया, अब क्या करेंगे उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो 3/5 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 25 से कितने होते हैं 100 एंड 3 मल्टीप्लाई 20, यानी कि 60% पार्ट में क्या किया हुआ है कलर। ओके एंड लास्ट वन इज टोटल कितने पार्ट है 8 पार्ट। ओके काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पार्ट है 8, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 8, कलर कितने पार्ट में किया है 3 पार्ट में, तो वो आएगा ऊपर, फ्रैक्शन में हो गया। अब हम कन्वर्ट करेंगे उसको परसेंटेज में, 3/8 इंटू 100। अब यहाँ पर फैक्टर निकाल के आप कर सकते हो 3/8, 8 के फैक्टर क्या होते हैं 4 2 8 एंड 100 के 25 4 4 विल बी कैंसल, 25 इंटू 3 यानी 75 डिवाइड बाय 2, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा हमें, .5%। ओके डिवाइड करके आप देख सकते हो कि 75 डिवाइड बाई 2, तो 3 2 6 1 रिमेन, 3 7 14 1 रिमेन एंड 3 5 10। ओके तो इस तरह से आप वो फाइंड कर सकते हो। फिर फोर्थ है, फोर्थ पार्ट में क्या है ए 15% ऑफ 250। ओके ये वाला मैं सॉल्व कर दूँ, उसके बाद डाउट जिसको भी होगा मैं एक मिनट पुनिया डाउट हो तो पूछ लो, चलो पूछ लेता हूँ। यस क्वेश्चन 1 का जो बी पार्ट है ना, उसमें क्या पीछे ऐसा आंसर दिया है 28 इंटीजर
ओके, ये वाला आंसर भी राइट है ना, वो वाला आंसर भी राइट है। उसने किया कि मिक्स फ्रैक्शन में उसने कन्वर्ट कर दिया है। तो उस तरह से अगर आप लिखोगे पीछे इस तरह से आंसर दिया है मिक्स फ्रैक्शन में, तो वो वाला आंसर अगर आप लिखोगे तो भी राइट है, एंड उसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो भी राइट आंसर ही है। क्योंकि अगर डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर जो क्वेश्चन बी क्वेश्चन नंबर का जो बी पार्ट है उसमें 125 कैसे हो सकते हैं, तो यस यहाँ पर ए पार्ट है उसमें क्या गिवन है 50% ऑफ 250। ओके, किसका 50% हमें फाइंड करना है, 250 है उसका 50%। तो परसेंटेज की साइन अगर निकालोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 100, एंड ऑफ, ऑफ का मीनिंग आपको पता है, सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा था फ्रैक्शन वाला जो था उसमें ऑफ जहाँ पर लिखा था वहाँ पर हमें क्या करना है मल्टीप्लिकेशन। तो इनटू क्या होगा 250। अब जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको हम क्या कर देंगे कैंसिल, ओके, तो 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब 50 है तो इसके फिर फैक्टर निकलेंगे 5 3 50 एंड 5 2 10। 25 के फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे ऐसा कोई है नहीं जिसको हम उसके साथ कैंसिल आउट कर सके। तो यहाँ पर ये 5 5 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ यानी कि 75 / 2 फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 37.5% परसेंटेज नहीं आएगी क्योंकि परसेंटेज में गिवन है, हमें उसका सिर्फ फाइंड करना है कितना होगा। ओके, 37.5। ओके, यहाँ पर भी सेम वैसे ही आया था 75.75/2। अब बी पार्ट, इसमें ध्यान रखना बी पार्ट में क्या है 1% ऑफ 1 आवर। ओके, 1 आवर का 1%। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है, इसका 1% निकालना है तो 1/100 × 1 आवर। अब आवर में है उसको हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं, अगर 1 आवर में ही रखेंगे तो आपका आंसर क्या होगा 1/100। ओके, वहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं होगा क्योंकि आगे कुछ भी नहीं हो रहा है, 1% का 100 यानी 1/100, एंड अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 0.01, पर ये हो गया आवर में। ओके, 1% 1 आवर का 1% कितना होता है 1/100, अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 1/100 × 1 आवर इज इक्वल टू कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। ओके, लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, 0 0 कैंसिल। अब 6 है तो 6 के फैक्टर क्या होंगे 3 2 6 एंड 5 10 5 2 10, तो 2 2 विल बी कैंसल एंड 3/5% यहाँ पर नहीं आएगी, 3/5 हमारा आंसर होगा 3/5 मिनट अगर मिनट में कन्वर्ट करना है, अगर इसको सेकेंड में करना करवाएं। ओके, सेकेंड में अगर आंसर फाइंड करना है तो किस तरह से आएगा, आपको पीछे मिनट एंड सेकेंड दोनों में आंसर गिवन है, ये वाला आंसर नहीं है। ओके, तो सेकेंड वाला भी फाइंड कर लेते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू कितने सेकेंड हो गए, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 60 × 60 यानी ये हो जाएगा 3600। ओके,
60 होगा ना कि 1 मिनट 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट एंड 60 मिनट इज इक्वल टू होगा 60 into 60 seconds. ओके तो टोटल कितने हो गया 36 seconds. तो 2 जीरो उठ जाएंगे तो आंसर क्या बनेगा 36 सेकेंड. ओके यहाँ पर ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि इसमें हमें आंसर फाइंड करना है इसमें करना है. तो आप कोई भी आंसर लिखोगे तो आंसर क्या होगा आपका सही होगा. यहाँ पर ऐसा प्रॉपर नहीं गिवन है कि आपको मिनट में आंसर फाइंड करना है या सेकेंड में आंसर फाइंड करना है. अगर ये वाला आंसर लिखोगे तो भी राइट है पर बुक में पीछे ये दोनों आंसर थे. अब सी पार्ट है इसी का. ट्वेंटी परसेंट ऑफ 2500. ओके तो 20% है तो डिनोमिनेटर में आएगा 100 इंटू 2500. 0 0 विल बी कैंसल. 25 2 50 एंड 10 लगा देंगे तो 500 हमें मिल जाएगा. एंड लास्ट पार्ट इज द क्वेश्चन नंबर 4 डी पार्ट. उसमें क्या है 75% ऑफ 1 kg. ओके किसका 75% पार्ट फाइंड करना है 1 kg का. तो अगर इसको केजी में ही हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे 75% की साइन हटा देंगे तो आ जाएगा डिनोमीटर में 100 इंटू 1 kg. ओके अगर केजी में ही फाइंड करना है तो आंसर क्या बनेगा इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो तो 0.75 kg. ओके 75 का सॉरी 1 kg का 75% कितना होगा 0.75. एंड अगर इसको ग्राम में हमें फाइंड करना है तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. तो 75 डिवाइड बाय 100 इंटू 1 kg की जगह पर हम क्या लिखेंगे 1000 ग्राम. ओके 2 जीरो कट हो जाएंगे तो आंसर क्या बनेगा 750 ग्राम. ओके दोनों ही आंसर क्या है राइट है. ओके फिफ्थ सम है फाइंड द होल क्वांटिटी इफ ए परसेंट ऑफ इट इज 600. ओके तो हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं लेट द होल क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्स या टू बी एक्स. ओके कुछ भी लिख सकते हो. अब हमें क्या गिवन है यहाँ पर 5% ऑफ इट. ओके तो किसके 5% तो होल क्वांटिटी के 5%. ओके यहाँ पर लिखा है 5% ऑफ इट इज 600 यानी कि होल क्वांटिटी के 5% इज इक्वल टू कितने होते हैं 600. तो 5% ऑफ x इज इक्वल टू 600. ओके अब यहाँ पर ये सिंपल फॉर्म हो गया इस तरह से. तो इस यहाँ पर परसेंटेज के साइन निकालेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा 100 इंटू x इज इक्वल टू 600.
अब यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, 25 से कितने होते हैं 100, x इज इक्वल टू 600। अब 20 था डिनोमिनेटर में, इक्वल टू के इस साइड पर जाएगा तो वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा। अब सिंपल क्या करेंगे हम, 6 × 2 = 12 एंड टोटल कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो 12,000 के 12,000 का 5% कितना होता है 600। तो इस तरह से आपको आंसर फाइंड करना है इसमें। ओके, बी पार्ट एक देख लेते हैं, फिर आपका एसएस का लेक्चर स्टार्ट होगा। बी, 12% ऑफ इट इज 1080 रुपीस। ओके, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर हो, द होल क्वांटिटी ऑफ एक्स, होल क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्स, लेट द होल क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्स, द 12% उसका एक्स, 12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1080। तो परसेंटेज की साइन हटा देंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100 इंटू एक्स। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको इक्वल टू के उस साइड पर भेज देंगे, तो x इज इक्वल टू 1080 डिवाइड बाय, अब ये वाला जो है 12/100 इक्वल टू के उस साइड पर जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, एंड डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में। अब 12 का डबल सभी को आता है, 12 × 9 = कितने होते हैं 108, एंड 0 ऐड कर देंगे तो 90 × 100 यानी 9000। ओके, तो 9000 रुपीस के 12% इज इक्वल टू कितने होंगे 1080। ओके, तो यहाँ तक आज रखते हैं, नेक्स्ट हम सी पार्ट से स्टार्ट करेंगे 5th का।